भारत की सरकार और राज्यों की सरकार एक योजना ला रही है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाकी इकोनॉमिक जोन से अलग क्या है? साधारण इकोनॉमिक जोन पूरे भारत में है जिनको आप इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए जलंधर जिले का कोई इंडस्ट्रियल एरिया है वो इकोनॉमिक जोन है, मान लीजिए अमृतसर जिले का कोई इंडस्ट्रियल एरिया है वो इकोनॉमिक जोन है। अब सरकार कह रही है कि ये जलंधर अमृतसर के जो इंडस्ट्रियल एरिया है या लुधियाना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है अब इससे काम नहीं चलेगा, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए। ये स्पेशल क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में भारत देश के वाणिज्य मंत्री को मैंने एक पत्र लिखा जिसका नाम है कमलनाथ, और उनको पूछा कि भारत में तो कम से कम 680 इकोनॉमिक जोन पहले से बने हुए हैं, जैसे अमृतसर में एक इकोनॉमिक जोन मैंने कहा इंडस्ट्रियल एरिया, जलंधर का एक, लुधियाना का एक, और अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में तो 20-25 हैं, फिर गाजियाबाद में, बरेली में, आगरा में, हर बड़े जिले में एक ना एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो पहले से बने हुए हैं। अब सरकार स्पेशल बनाने जा रही है वो क्या? तो कमलनाथ का जो सेक्रेटरी है उसने मेरे पत्र का उत्तर दिया और कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि जिस कंपनी ने वो एरिया खरीदा, इसको आप ध्यान से सुनिए तो समझ में आए, जिस कंपनी ने वो एरिया खरीदा वो पूरी की पूरी मालिक है उस एरिया की कंपनी। और मालिक कैसे है? मान लीजिए मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, दसवा के आसपास किसी कंपनी ने 10,000 एकड़ जमीन खरीदी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, तो वो 10,000 एकड़ जमीन के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आप माने दसवा में रहने वाले लोग, पंजाब में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग उस जमीन पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे जब तक वो कंपनी आपको परमिशन ना दे। ये कुछ इस तरह की कहानी है कि आप यहाँ दसवा से अमेरिका चले जाएं तो अमेरिका के किसी हवाई अड्डे के बाद अंदर प्रवेश तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक अमेरिका की सरकार आपको परमिशन ना दे, और वो परमिशन लेटर का नाम होता है वीजा। तो अगर आपके पास अमेरिका की सरकार का दिया हुआ वीजा है तो आप अमेरिका के हवाई अड्डे से उनके शहर में जा सकते हैं, अगर वीजा नहीं है तो वापस आना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाने के लिए आपको वीजा लगेगा, वो कंपनी वीजा बनाएगी आपको देगी। अगर आपको वीजा है तो आप उसमें अंदर घुस सकते हैं, नहीं है तो बाहर ही रहिए। माने कंपनी उस जमीन की मालिक है एक राजा की तरह से, अपने ही देश में रहते हुए अपने ही देश की किसी जमीन पर जाने के लिए वीजा चाहिए। दूसरा उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का महत्वपूर्ण अर्थ है कि आप अगर उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की दीवार के अंदर जाए तो माना जाएगा कि आप दूसरे देश में गए, क्योंकि वो कंपनी जिस देश से आई है वो मिल्कियत उसी देश की मानी जाएगी। कंपनी जिस देश से आई है मिल्कियत उस देश की मानी जाएगी, तो आप अगर उसमें अंदर गए हैं तो आप दूसरे देश में गए। मान लीजिए दसवा से कोई सामान लेकर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेचने के लिए जाएंगे तो वो एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट एक शब्द इस्तेमाल होता है जब भारत का माल दूसरे देश में बेचा जाए, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो माल आप बेचेंगे उसको सरकार बोलेगी आपने एक्सपोर्ट किया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप कुछ खरीदेंगे तो वो इम्पोर्ट होगा, आयात होगा। और सबसे महत्व की बात कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो दसवा की जमीन पर बना है, अगर वहां कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो दसवा की पुलिस उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रवेश नहीं कर सकेगी, उनकी अपनी पुलिस होगी जो उस मामले की निगरानी करेगी। अगर कंपनी के मालिक दसवा की पुलिस को निवेदन करें, एप्लीकेशन दें, तब दसवा की पुलिस उसमें एंटर करेगी, अन्यथा एक मर्डर हो जाए या वहां 100 मर्डर हो जाए दसवा की पुलिस अंदर नहीं जा सकती। मैंने दुनिया में कुछ देशों में प्रवास किया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने देखे हैं। भारत में 300 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कई देशों में पहले बन चुके, मैंने मेरी आंखों से 2-3 देशों में देखा है। एक मैंने फिलीपींस में देखा, एक थाईलैंड में देखा और एक इंडोनेशिया में देखा। इन तीनों देशों में पहले से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। थाईलैंड में मैंने देखा वहां की राजधानी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है।
अमेरिका की कंपनी उसको चलाती है। उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की पुलिस रहती है, अमेरिका के सैनिक रहते हैं। वो अमेरिका की पुलिस और सैनिक अक्सर वहां से बाहर आते हैं और थाईलैंड की बहन बेटियों को उठाकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चले जाते हैं। उनके साथ रात दिन बलात्कार होता है। जब उनका मन भर जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से निकाल के उनको बाहर भेज देते हैं। थाईलैंड के पुलिस ऑफिसर से मैंने पूछा, आपकी आंखों के सामने आपके देश की माताओं बहनों की इज्जत लुटती है और अमेरिका के सैनिक उनसे बलात्कार करते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो थाईलैंड के पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा, जो वहां का डायरेक्टर जनरल था, कि हमारे पास अधिकार नहीं है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में थाईलैंड का कानून नहीं चलता, यहाँ पर अमेरिका का कानून चलता है। और अमेरिका में दूसरी जात की किसी महिला से बलात्कार किया जाए तो उसकी सजा ज्यादा नहीं है, अगर गोरी महिला से बलात्कार हो तो उसकी सजा ज्यादा है। फिलीपींस में मैंने देखा, मनीला में इसी तरह का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। आज से लगभग 7 साल पहले मैं फिलीपींस गया था मनीला, तो वहां मैं देख रहा था कि उस समय हंगामा मचा हुआ था संसद में, फिलीपींस की संसद में। हंगामा ये था कि अमेरिका की पुलिस और अमेरिका की आर्मी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहती है, वो मनीला की माताओं बहनों के साथ छेड़खानी करते हैं और उसकी शिकायत पुलिस को दर्ज होती है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि पुलिस कहती है अंदर जाने का अधिकार नहीं, किसी को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं। तो मामला वहां के राष्ट्रपति के सामने था और राष्ट्रपति की हालत ये थी कि वो अमेरिका से विनती कर रहे थे वहां के राष्ट्रपति कि प्लीज आप अपने सैनिकों को और पुलिस वालों को समझाइए, हमारी माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़ ना करें। मुझे लगा इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है कि मनीला की जमीन पर बना हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकता। और यही एग्जैक्टली मैंने इंडोनेशिया में देखा, जकार्ता के पास ऐसा ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन 300 भारत में बनने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां उन जमीनों को खरीद रही हैं। अमरीकी कंपनियों के लिए भारत में जमीन खरीदना बहुत आसान है। कारण क्या है? एक तो सरकार ने कानून बदल दिया। पहले आप जानते हैं हमारे देश में कानून था लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट का आप सब जानते हैं। उसमें कानून ये था कि शहर के अंदर एक सीमा से ज्यादा जमीन कोई भी नहीं खरीद सकता और विदेशी आकर तो भारत की जमीन बिल्कुल नहीं खरीद सकता। विदेशियों को जमीन चाहिए तो लीज पर मिल सकती थी, खरीद नहीं सकता था। सरकार ने वो लैंड सीलिंग एक्ट बदल दिया। अब लैंड सीलिंग एक्ट बदलने के बाद जो नया कानून आ गया है उसमें कोई भी अमरीकी कंपनी चाहे कितनी भी हजार एकड़ जमीन खरीद सकती है। अब उनके लिए जमीन खरीदना बहुत सस्ता सौदा है। कैसे? वो $1 लेके आते हैं तो यहाँ 45 रुपया हो जाता है क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट गड़बड़ाया हुआ है। एक जमाना था जब भारत आजाद हुआ था तब $1 और $1 था। अब भारत की सरकार ने अमरीका के दबाव में आकर एक नीति चलाई हुई है इस देश में जिसका नाम वो कहते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण। मैं कहता हूँ वो अमरीकीकरण, ना उदारीकरण है ना वैश्वीकरण है, वो अमरीकीकरण है। ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन तो नाम है, वास्तव में वो अमेरिकनाइजेशन। उस नीति के चलते सरकार ने क्या किया है, पिछले 17 वर्षों में रुपए का भाव बहुत बुरी तरह से गिरा दिया और डॉलर का भाव बहुत बढ़ा दिया। आप में से कई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपको याद होगा सन 1991 में $1 में ₹7.80 थे, 91। अब 2007 में $1 में ₹45 है। तो अमेरिका की कोई कंपनी $1 लेके आती है, यहाँ वो ₹45 हो जाता है। मतलब यहाँ की जमीन अमेरिका की तुलना में उनको 45 गुनी सस्ती मिल जाती। वो $1,000 लाएंगे तो $45,000 हो गया, वो $1,00,000 लाएंगे तो $45,00,000 हो गया, वो $1,00,000 लाएंगे तो ₹45 करोड़ हो गया। जितना लाएंगे वो अपने आप 45 गुना हो गया। तो यहाँ की जमीन उनको 45 गुनी सस्ती मिल गई। अमेरिका में जितनी जमीन वो डॉलर में खरीदेंगे उतनी ही जमीन यहाँ उनको 45 गुनी ज्यादा उतने डॉलर में मिल जाती। तो रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट खराब होने के कारण यहाँ की जमीन बहुत सस्ते भाव में उनको मिल जाती। सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट बदल दिया है तो अंधाधुंध जमीनें खरीदने के लिए उनके लिए रास्ता खुल गया। पिछले 3 वर्षों में मैं भारत सरकार के द्वारा
अमरीकी और विदेशी कंपनियों को बेची गई जमीन के रिकॉर्ड्स एक एक करके इकट्ठे कर रहा हूँ। अब तक मेरे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लगभग सरकार ने 25 लाख एकड़ जमीन बेच दिया, 50 स्क्वायर फीट। हमारा एक मुकदमा महाराष्ट्र हाईकोर्ट में है। पूना के पास एक गांव है तलेगांव, वहां पर अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है जर्नल मोटर्स, उसने जमीन खरीदी किसानों से, और किसानों से जमीन खरीदी गई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 1 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी जमीन 1.15 रुपए, 1 स्क्वायर फीट 1.15 रुपए। ऐसी उन्होंने वहां पर 5,000 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। 1 हेक्टेयर में 5 एकड़ होता है, मतलब 25,000 एकड़। भाव है 1.15 रुपए स्क्वायर। जमीन ले लिया, उनके नाम हो गया। अब उस जमीन को उन्होंने प्लॉट करके बेचना शुरू किया है, तो उसका भाव है 17,000 रुपए स्क्वायर फीट वही जमीन। आप पूछेंगे जी इतनी महंगी कौन खरीद रहा है, तो वो जो अमेरिकन कंपनी है ना जनरल मोटर्स, उसने अपने ही देश की कंपनियों को वो बेचना शुरू किया। इसके खिलाफ हमने कोर्ट में पिटीशन किया कि ये जमीन सरकार ने किसानों से छीन कर जनरल मोटर्स को बेचा, ये बोलकर कि इस पर जनता के हित का कोई काम किया जाएगा, और अमेरिकन कंपनी आकर इसको प्लॉटिंग करके बेच रही है, इसमें कौन सी जनता का हित हो रहा है, भारत की या अमेरिका। तो अदालत ने उस पर अभी सुनवाई शुरू की है, स्टे नहीं दिया है, फैसला कब आएगा मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के सभी राज्यों में हो रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के नाम पर किसानों से जमीनें सस्ती कीमत पर छीन लेना, फिर उनको महंगी कीमत पर बेचना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की कंपनियों के बनाए हुए नियम कायदे कानूनों को चलाना, भारत का कानून नहीं मानना। कुछ कंपनियां तो बोलती है कि हम भारत का संविधान भी नहीं मानेंगे, भारत सरकार क्या कर लेगी हमारा। सच में कुछ नहीं कर सकते, सच में कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने एक बार जमीन दे दी तो सरकार के हाथ से सब गया। वो भारत का संविधान ना माने, भारत का कानून ना माने, भारत के नियम से ना चले, भारत की संस्कृति और सभ्यता का ध्यान न रखे, हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती। इतनी गुलाम हमारी सरकार हो चुकी है।